नमस्कार दोस्तों, आज रीजनिंग की क्लास में लास्ट सेशन है ये आपका कैलेंडर पे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ सब मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके वो ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे। जो एक और क्वेश्चन है आपका वो भी ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक और मैं रूल आपको बता दूंगा कि अगर आप कोड याद कर सकते हो तो हो सकता है किसी किसी को कोड से आसानी पड़ जाए, लेकिन ऑड डे का जो कॉन्सेप्ट है उससे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। तो मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन होगा कौन सा नहीं होगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया वो ले लो, 499 का है, 3 मंथ तक ये वैलिड रहेगा। आपको जितने भी क्लास कराई जाती हैं परीक्षा प्लस के प्लेटफॉर्म पर सभी के PDF आपको दिए जाएंगे इस प्लान के अंतर्गत। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और हम एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। पहला आपका क्वेश्चन आपके जस्ट सामने है, सभी लोग इसका आंसर दे दो अगर आता हो इसे लगाने की, कैसे किस फंडे पे आप लोग लगाते हो। ये तो ऑड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ऑड डे, विषम दिनों की संख्या निकाल लो, उसी कॉन्सेप्ट पे ये लगने वाला है। इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी एक कोड जो होता है वो सिर्फ थोड़ा सा इसको आसान कर देता है, और वो भी इसमें नहीं मेनली काम आता इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है टाइप 3। टाइप 3 मतलब मैंने दो टाइप तो आपको पढ़ाई दिया है पहले ही, किस पे, ऑड डे बेसिस पे, विषम दिन पे। एक तो सिंपल वाला कि 60 दिन बाद कितना होगा, 40 हफ्ता बाद कौन सा दिन आएगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ाया था, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था आगामी कल के परसों ये दिन है तो आगामी बीते हुए परसों कौन सा दिन होगा, ठीक है। ऐसे कुछ मैंने आपको बता दिया है, उससे दो टाइप, और तीसरा टाइप इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये एग्जाम में आने की इसके प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं। तो अब इस क्वेश्चन में टाइप 3 है, इसमें क्या है, देखो 1 जनवरी 2006 को क्या है, रविवार है, मतलब संडे है आपका, ये दिन दिया हुआ है। 1 नवंबर 2006 का पूछ रहा है, मतलब देखो यहाँ ईयर सेम है, ईयर सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस में है, मंथ में, डेट भी आपका सेम है। तो मंथ का जो डिफरेंस है उस मंथ के डिफरेंस को हम क्या करेंगे, ऑड डे में कैलकुलेट करेंगे। और मैंने ऑड डे आपको निकालना बताया था कि 31 का जब महीना हो तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है भाई, उसमें विषम दिनों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, और मंथ 30 का हो तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो बस लिख लेते हैं, देखो हमारे पास कहाँ से जाना है, जनवरी से जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, अप्रैल, मई, जून, ठीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक ही तो जाना है, तो मैंने नवंबर तक लिख लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, ऑड डे के नंबर लिख लेना। जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, जब आपका पूरा अगर पूछा जाए 31 का महीना होता है तो 3 होता है, मगर यहाँ 1 जनवरी का डेट दे दिया। तो अब बचे कितने हैं जनवरी में दिन, जनवरी में दिन बचे 30, एक तो तारीख का दे ही दिया कि 1 तारीख को संडे है, 30 दिन और बचे हैं, तो 30 दिन में कितने ऑड डे होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 यहाँ लिख लो। फरवरी में आपके 0, क्यों, क्योंकि देख लो 2006 क्या लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो लीप ईयर नहीं, फरवरी में 0 होगा क्योंकि फरवरी 28 की होगी, 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मार्च में 31 का महीना है तो 3 होगा, अप्रैल 30 का महीना है तो 2 होगा, मई 31 का महीना है तो 3 होगा ऑड डे, जून आपका 30 का महीना है 2 होगा, जुलाई 3 होगा, अगस्त 3 होगा, सितंबर आपका 30 का महीना है तो 2 ऑड डे होगा, ये 3 होगा, और नवंबर में आ जाए तो रुक जाना है, क्यों, क्योंकि देखना मैं पूरा नवंबर कवर किया है या कुछ दिन कवर किया है। तो 1 नवंबर का पूछ रहा है, तो नवंबर में कितने ऑड डे मिलेंगे, एक सिंगल ऑड डे मिलेगा, ठीक, लिख दिए। अब इसमें देख लो जितने हफ्ते बन जा रहे हैं उसको तो कैंसिल कर दो, 3 3 6 1 7, एक दिन आपका पूरा हफ्ता बन गया कैंसिल हो गया, 3 3 6 यहाँ से एक निकाल लोगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद से देख लो 3 2 5, ठीक है, 6 7 ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना आपके पास 3, यहाँ से 3 ऑड डे बचे, ठीक है, 3 ऑड डे बचा हमारा। और 3 ऑड डे जो बचता है वही क्या करो, जो आपका ये गिवन डे दिया है उसी में जोड़ दो, तो संडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या आ जाएगा इसका आंसर, वेडनेसडे, ठीक, वेडनेसडे इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको करना हो तो आप क्या करो, सभी के ऑड डे, पहला स्टेप,
कि देख लो क्वेश्चन किस टाइप का है, इसका डेट सेम है, मंथ सिर्फ वेरी कर रहा है, मंथ वेरी कर रहा, ईयर सेम है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि जनवरी जो पहला शुरुआत हुआ उसमें कितने और डे होंगे। तो यहाँ 1 जनवरी का दे दिया है, बाकी बच गए कितने, 30 दिन और, तो 30 दिन में कितने और डे हो गए, 2। फिर फरवरी आपका आएगा तो उसमें चेक कर लो कि ये लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में क्या हो जाएगा, और डे 0 हो जाएगा। उसके बाद से आप अपना पूरा और डे लिख लो और देख लो कितने हफ्ते उसमें बन जा रहे हैं, उसको कैंसिल कर दो। जैसे यहाँ पे 3, 3, 6, 1, 7, ये तो 7 खत्म ही होना था, चाहे या सभी को जोड़ को 7 से डिवाइड कर दो तभी भी सेम आएगा आपका आंसर, या यहीं से देख लो कि कितने हफ्ते हुए उसको हटाते चले जाओ। तो यहाँ से मेरा 3 और डे आया और 3 मैंने क्या किया, संडे में जोड़ दिया तो वेडनेसडे आ गया। एक तरीका और है, मैं आगे चल के इसको बताऊंगा, 144, 025, 036, 146, ठीक है। ये क्या है, एक कोड है किसका, मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और ये आपका दिसंबर तक का कोड दिया है। अब यहाँ जब आ जाते हैं तो 1 जनवरी 2006 को संडे है, पूछा 1 नवंबर 2006 को, ईयर आपका सेम है तो क्या कुछ नहीं करना है, आपका सिर्फ क्या मंथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ से देख लो कि मंथ का कोड क्या है। जैसे यहाँ पे क्या है, जनवरी है तो मंथ का कोड 1 है, ये किसके लिए होगा, ये नॉर्मल ईयर के लिए कोड होगा, नॉर्मल ईयर के लिए कोड होगा, और लीप ईयर के लिए ये कोड क्या हो जाता है, 0 और 3 हो जाता है, सिर्फ यहाँ बदलाव हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक। तो यहाँ देखें कि जनवरी या नवंबर है, तो यहाँ जनवरी का कोड देखो 1 है और नवंबर का कोड क्या है आपका, 4 है, तो कितना इससे बड़ा है, कितना बढ़ गया है, +3 बढ़ा है ना। तो क्या करोगे, संडे है यहाँ पे, आपका डेट जब सेम रहे, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, और ईयर सेम रहे तो आपको सिर्फ मंथ वेरी करे, तो देखो जो कोड में चेंज होगा वही क्या होगा, आपका दिन में चेंज होगा, तो यहाँ संडे था +3 कर दोगे तो वेडनेसडे आ जाएगा। ये कोड एक जगह और क्वेश्चन को करने में आता है, जैसे कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दे 15 अगस्त 1950 को क्या होगा, तो डायरेक्ट इस कोड के माध्यम से आप आंसर निकाल सकते हो, मैं आगे बताऊंगा, और वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके जस्ट सामने है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। ये टाइप अलग है, टाइप 4 मैंने इसे बता दिया है। इसमें क्या हुआ है आपका कि देखो 1 जनवरी है, यहाँ 21 नवंबर हो गया, ठीक, मतलब डेट और मंथ दोनों चेंज हो गया, पहले वाले में सिर्फ मंथ चेंज हुआ था, इसमें डेट और मंथ दोनों चेंज हो गया, ईयर आपका सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दो, उसके बाद से मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है आपको, ठीक है। चलो अब इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है कि आपको जाना कहाँ तक था, हमारा डेट है 1 जनवरी 2006 को, संडे है, ठीक, हमें निकालना क्या है, 21 नवंबर 2006 को हमें निकालना है कि कौन सा दिन होगा। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रोसेस लगाए हो, पहले वाले स्टेप में जो जो प्रोसेस लगाए वही स्टेप प्रोसेस लगाना है। जैसे 1 जनवरी 2006 को संडे है तो आप क्या करो, पहले 1 नवंबर एक गैप क्रिएट कर लो, पहले वाला टाइप में जिस टाइप से किए थे, तो स्टेप 1 ये होना चाहिए कि आप पहले टाइप को दोहराओ, ठीक। तो आप क्या करो, पहले 1 नवंबर 2006 तक निकाल लो, 1 नवंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, ये तो आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में निकाला, 1 नवंबर 2006 को कैसे निकालेंगे, पूरा आप जनवरी से लेकर नवंबर तक के ऑड डे काउंट कर लो, उसको 7 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा उसमें इसमें जोड़ दो। तो अभी हमने प्रीवियस वाले में देखा आपका यही क्वेश्चन बन गया, देखो 1 नवंबर 2006 का हमें निकालना है यहाँ पे, तो 1 नवंबर 2006 में हमने क्या निकाला है, वेडनेसडे निकाला है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, प्रोसेस वही रहेगा आपका निकालने का कि सभी ऑड डे काउंट कर लो। तो यहाँ बुधवार आ गया, ठीक, 1 नवंबर 2006 को, नवंबर में अब हम पहुँच चुके हैं, मगर हमारा मेनली क्वेश्चन क्या है, 21 नवंबर 2006 का निकालना है। तो 1 नवंबर 2006 को हमें पता चल गया, तो 21 नवंबर में हमें कैसे पता चली जाएगा, आराम से कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि आपका 21 ये है 1 ये है, तो क्या करो माइनस कर दो, ये वाला बताया था ना कि अगर किसी के 10 तारीख को ये पड़ता है तो उसके 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 21 तारीख ये है और 1 नवंबर को वेडनेसडे है, तो 21 में से 1 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 20 दिन बचेगा, इसको 7 से डिवाइड कर दो तभी तो ऑड डे आएगा। किसी भी महीने में आपको पहले तारीख पता हो और कोई भी डेट का आपका डे निकालना हो
तो क्या करोगे, उस डे से उनके बीच का डिफरेंस देख लोगे कितना है। तो देख लिया मैं 21 और 1 में क्या डिफरेंस कितना है, 20 का, उसको 7 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 6 आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब क्या करोगे, वेडनेसडे में वो 6 जोड़ दोगे, वेडनेसडे में 6 जोड़ दो, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे आपका, ट्यूसडे आ जाएगा आंसर। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। सिंपल सा एक स्टेप और बढ़ना है, कुछ नहीं करना है। आपसे क्वेश्चन था 1 जनवरी 2006 को संडे था, 21 नवंबर 2006 को निकालना था, तो पहले क्या करो, आप डेट सेम कर लो, मंथ को सिर्फ वेरी करो। यहाँ पे आपका डेट चेंज था क्वेश्चन में पूछा, तो आप पहले 1 नवंबर 2006 को निकाल लिए, तो हमारा आ गया बुधवार जो पहला टाइप था। उसके बाद से क्या किया, 1 नवंबर से अब महीने, महीना सेम हो गया, डेट वेरी कर रहा है। तो इससे पहले जब मैंने और भी लेक्चर लिया है उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि एक ही महीने में अगर डिफरेंट डेट पे आपको डे निकालना हो तो क्या करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं और उसे 7 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो गिवन डे में जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको स्टेप करना है। अगले टाइप पे बढ़ जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी मंगलवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये अलग टाइप से है, इसमें क्या डिफरेंट है इस टाइप में, इसमें आपका 1 जनवरी 2006 दिया हुआ है और यहाँ 1 जनवरी 2010 दिया है, मतलब आपका डेट और मंथ कह सकते हो, डेट और मंथ सेम है, ईयर का डिफरेंस हुआ है। यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, ईयर का। अभी तक जो दो क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन में आपका मंथ डिफर कर रहा था, दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या डिफर कर रहा था, डेट और मंथ दोनों डिफर कर रहा था, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है जहाँ सिर्फ ईयर डिफरेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी डेट और मंथ सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, आओ देख लेते हैं। 1 जनवरी 2006 को संडे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2010 में क्या होगा। तो देखो ये जब सब सेम है तो इसमें हमें दिमाग लगाना नहीं है, तो हमें इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, कितने साल का डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंस है, 10 में से 6 घटा दोगे तो भाई बचेगा कितना, 4 साल ही तो बचेगा। और मैंने आपको बताया था हर एक साल में, मतलब 365 जो दिन होता है इसमें कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन होता है, और 366 वाले में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। तो यहाँ 4 साल का गैप है तो 4 विषम दिन तो यहाँ मिलेगा ही, तो एक हर साल में एक विषम दिन मिलेगा ही मिलेगा, तो 4 ऑड डे मिल जाएंगे कह सकते हो। प्लस एक चीज और इसमें देखना है कि 2006 और 2010 के बीच में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 6 तो लीप ईयर होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, 2008 लीप ईयर होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा सीधे, तो वो इस रेंज से बाहर चला जाएगा। तो एक लीप ईयर आएगा, वो कौन सा आएगा, 2008 वाला आएगा, तो इसके वजह से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 366 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कितने और डे मिलते हैं, 2 मिलते हैं, मगर इसमें का एक काउंट हो गया होगा। क्यों, क्योंकि एक बार तो हम 2000 जब जनरल हम देखेंगे, एक 366 दिन में एक तो हमारा यहाँ से मिलता ही था, एक ही एक्स्ट्रा दिन मिलता है ना, टोटल 2 मिलता है तो एक ही एक्स्ट्रा दिन मिलता है, तो जो एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है उसे हम जोड़ लेंगे। ये लीप ईयर की वजह से जितना, जितने लीप ईयर आएंगे उतने दिन हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो कितना लीप ईयर आया इसके बीच में, एक लीप ईयर आया, तो एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लो, एक ऑड डे और जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा, 5 ऑड डे हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना है, इनके बीच का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेने के बाद देख लेना है कि इनके बीच में कितने लीप ईयर आएंगे। तो यहाँ आया एक लीप ईयर, तो एक ऑड डे और बढ़ जाएगा, वही मैंने आपका ये लिख दिया, तो टोटल ऑड डे हो गए 5, 5 ऑड डे हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये 7 से तो कम ही है, तो संडे में हम 5 दिन जोड़ देंगे, क्योंकि हमें विषम दिनों की संख्या जब तक 7 से कम होती है तो हमारे पास विषम दिनों की संख्या उतनी ही आती है, तो 5 संडे में जोड़ देंगे, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फ्राइडे हो जाएगा। सिंपल सा इसमें लॉजिक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपका डेट सेम हो, मंथ सेम हो, ईयर डिफरेंट हो, इनके बीच का डिफरेंस लो, डिफरेंस लेने के बाद ये 4 साल का डिफरेंस हो गया, देख लो कि इसके बीच में कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं। तो मुझे पता चला कि 2008 एक लीप ईयर है, सिंगल ईयर आ रहा है, तो उस ईयर में एक ऑड डे होगा, तो हमारा मतलब एक एक्स्ट्रा ऑड डे होगा, ठीक है, तो उसे जोड़ दो। मतलब आपको ध्यान रखना है जितने लीप ईयर हैं उतने और जोड़ना है, डिफरेंस लेने के बाद जितना लीप ईयर है उसे जोड़ना है, तो उसे जोड़ने के बाद देख लिए कितने ऑड डे आ गए, विषम दिन आ गया 5,
पांच विषम दिन आ गया तो हमें क्या किया, जो गिवन डे है आपका उसमें जोड़ देना है। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फ्राइडे आ जाएगा, शुक्रवार इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके जो सामने है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो, इसमें क्या लॉजिक है, अगला टाइप क्या है। देखो यहाँ 1 जनवरी है या 1 नवंबर है, आपका डेट क्या है सेम है, मगर मंथ चेंज हो गया है और ईयर चेंज हो गया है, इसमें मंथ और ईयर दोनों चेंज हो गया है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है देख लेते हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं टाइप, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछा है 1 नवंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले पहले इसका ईयर में डिफरेंस सेम कर लेते हैं। जैसे 1 जनवरी 2006 पूछा, तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा इससे जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, टाइप जो टाइप 5 था, देखो 1 जनवरी 2006 था या 1 जनवरी 2010 था, तो हम क्या करेंगे, पहले टाइप 6 वाले में हम यहां जनवरी 2010 तक का निकालेंगे, 1 जनवरी 2010 का निकालेंगे, ठीक। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, मेन जो हमारा पूछा नवंबर में, ठीक है। तो 1 जनवरी 2010 में तो निकालेंगे, तो हमारा ये क्या करेंगे, आपका मंथ सेम हो जाएगा, आपका डेट सेम रहेगा, सिर्फ ईयर का डिफरेंस रहेगा। तो ईयर के डिफरेंस में 4 का डिफरेंस होगा, टोटल और डे कितने आएंगे, 5। तो ये तो हम पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं ना, जो हमारा पिछला टाइप था टाइप 5 में हमने निकाल लिया 1 जनवरी 2010 को क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। तो भैया लिख लेते हैं, वही स्टेप रहेगा आपका निकालने का। तो यहाँ आ गया फ्राइडे आपका, ठीक। अगला आप क्या करना है, 1 जनवरी 2010 का दिन आपको दिया है फ्राइडे, आपको 1 नवंबर 2010 का निकालना है। ये कैसा हो गया, ये तो हूबहू भाई पहले वाले टाइप का हो गया, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था आपको, कि जिसमें क्या था, आपका डेट सेम था, सिर्फ मंथ वैरी कर रहा था, ठीक। तो मंथ यहाँ वैरी कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जनवरी से नवंबर तक जाना है, तो कितने और डे मिल जाते हैं टोटल, अगर देखो यहाँ पे तो 144025, ये याद, अगर कोड याद है 146, तो आपका नवंबर का कोड क्या है 4, और जनवरी का कोड क्या है 1, यही तो। और ये लीप ईयर भी नहीं है, लीप ईयर होता तब जनवरी का कोड बदलता। तो 1 से 4 कितने का डिफरेंस हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है, टोटल 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो वही हमें 3 का डिफरेंस ही देखना है, तो यहाँ पे 3 का आपका डिफरेंस होगा, यहाँ 2010 है, यहाँ पे भी 2010 है, ठीक। उससे हमें नहीं देखना, हमें मेन मंथ से देखना है कि मंथ में क्या वैरी कर रहा है, ठीक। तो या तो आप ऐसे कर लो कि जो मैंने आपको बताया था कि जनवरी लिख लो, ठीक, फरवरी लिख लो, इनके ऑड डे लिख लो, तो यहाँ कितने ऑड डे बचेंगे, 2 बचेंगे, यहाँ 0 बचेंगे, उसके बाद से मार्च में 3 बचेंगे, सभी के जितने विषम दिन आएंगे हर महीने में, उन सभी विषम दिनों की संख्या को जोड़ लो, 7 से डिवाइड कर लो, और जो डिवाइड करने के बाद आएगा विषम दिन, वही इसमें जोड़ दो फ्राइडे में। तो आपका कितना आएगा, ये पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया, ये देखो। तो अगर पहले टाइप का मैं दिखाऊँ आपको, पहला वाला जो हमारा ये बता रहे थे टाइप 3 से, जो मैं बता रहा था जनवरी 2006, 1 नवंबर 2006, ठीक। तो अब हमें 6 से हम 10 कर लिए हैं इसको, बाकी आपका डिफरेंस तो आपका सेम ही था ना। देखो ये जो है ईयर तो सेम ही था, जैसे वहाँ 2006 की बात हुई थी, यहाँ 2010 की बात हुई है। तो सिंपल सा है, आपका जो आएगा विषम दिन यहाँ से जनवरी से नवंबर में टोटल, वो कितना आएगा, 3 दिन आएगा। उस 3 दिन को क्या करो, फ्राइडे में जोड़ दो, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, मंडे हो जाएगा। तो मैं एक एक टाइप करके बता रहा हूँ कि किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन उसी में पूछ सकता है तोड़ के, और आपका स्टेप यही होगा कि जैसे मैं प्रीवियस वाला स्टेप करा रहा हूँ उसी तरफ से आपको आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पूछा था 1 जनवरी 2006 और 1 नवंबर 2010 को क्या होगा, इसका दिया हुआ था, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इसे प्रीवियस वाले में बदलना है। 1 जनवरी 2006 है तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डेट और मंथ सेम करेंगे, ईयर का डिफरेंस सिर्फ रखेंगे, तो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन बन गया, वहां से आंसर हमारा क्या आया था भाई, फ्राइडे आया था, जैसे आया था वो प्रीवियस वाले में देख सकते हो। उसके बाद से हमें अब क्या करना है, 1 नवंबर 2010 का निकालना है। अब ये हमारा अलग टाइप का बन गया, इससे पहले मैंने बताया कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो, ईयर सेम हो, मंथ आपका वेरी करे, तो क्या करना है, मंथ के और डे काउंट कर लेना है और उसको इसमें जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो अगला टाइप है आपका 21 नवंबर 2010 को क्या होगा, तो इस वाले टाइप में क्या वेरी कर गया भाई बताओ।
देखो यहाँ जनवरी है 1 जनवरी और यहाँ 21 नवंबर, मतलब डे और आपका मंथ दोनों मैंने वेरी करा दिया, ईयर तो मैं भी वेरी करा दिया, मतलब इस वाले केस में आपका डेट मंथ और ईयर सब क्या है, चेंज है। तो पहला स्टेप हमारा होगा क्या होगा, ये क्वेश्चन लिख लो, 1 जनवरी 2006 को संडे है तो हमसे पूछ रहा है क्या 21 नवंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। तो पहले क्या करेंगे हम, सिंपल सा है, ईयर का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ईयर का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टेप की तरह चलेंगे, पहले स्टेप में हम मंथ को सेम कर देंगे, डेट और मंथ को सेम कर देंगे 1 जनवरी, और सिर्फ ईयर का डिफरेंस रखेंगे 2010 कर देंगे, यहाँ तक निकालेंगे, सेम हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो प्रीवियस वाला, इससे प्रीवियस वाला 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2010 तो हम निकाले थे ना, क्या आया था, फ्राइडे आया था, तो बस वही करना है, 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे हो जाएगा। ये निकाल चुके हैं, सेम स्टेप से निकालना है आपको भी, कुछ नहीं करना है, ईयर का डिफरेंस देखना है, जितने लीप ईयर आएंगे उसे काउंट करना है और उसके बाद से गिवन डे में आपको प्लस कर देना है। अब 1 जनवरी 2010 में आपका पता चल गया, तो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है कि एक स्टेप और इसी में काउंट कर लो कि 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर, अब क्या करना है आपको कि ईयर सेम हो जाएगा आपका, अब मंथ को वेरी करना है, 1 नवंबर 2010 तक का निकाल लो, तो डेट सेम कर लो, ठीक है, डेट सेम कर लो, मंथ को वेरी करो, ईयर आपका सेम हो गया, टाइप थ्री हो गया ये एकदम हूबहू। तो 2010 का निकालना है, तो अभी इसके प्रीवियस वाले में आपने यही तो निकाला, 1 नवंबर 2010 को क्या आया, मंडे आया, तो ठीक है चलो ये आ जाएगा क्या, मंडे, नवंबर तक अब हम पहुंच गए हैं, 1 नवंबर 2010 को मंडे आ गया, 21 नवंबर 2010 को क्या होगा, सिंपल सी बात है, 21 नवंबर 2010 को क्या होगा, 1 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, तो 21 माइनस 1 कर दो, 20 का डिफरेंस होगा, 7 से डिवाइड कर दो, ऑड डे कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, तो मंडे में 6 जोड़ दो, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको ये करना है कि आप यहाँ तक निकाल लिए 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे आ रहा है, ठीक, उसके बाद से आप सीधे जनवरी से लेके 21 नवंबर तक ऑड डे निकाल लो, विषम दिनों की संख्या निकाल लो, उसे क्या करो फ्राइडे में प्लस कर दो, कैसे देख लो, जैसे आपका 1 जनवरी 2010 को क्या आया था, फ्राइडे आ गया था यहाँ पे, 1 जनवरी 2006 को संडे है तो 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे होगा, वो क्या डिफरेंस ईयर वाला करके निकाल लोगे। अब आपको निकालना है क्या 21 नवंबर 2010 को क्या होगा, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, एक स्टेप उसे हटाना चाहते हो, तो आपके पास मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर, ये आपके पास मंथ है, तो क्या करोगे, यहाँ पे जनवरी में कितने ऑड डे होंगे, देखो एक तो पहले ले लिए हो, 30 दिन बचे हैं और, तो 30 दिन में 2 ऑड डे, फरवरी आपका क्या है 10, तो लीप ईयर है नहीं तो 0 होगा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में आपका 2, नवंबर वो भी पूरे नवंबर का होगा, तो यहाँ नवंबर में पहले देख लेते हैं कहाँ तक जाना है, 21 नवंबर तक जाना है, तो 21 को 7 से डिवाइड कर दो, कितने ऑड डे आएंगे, 7 तरीके 21 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 0 ऑड डे आएंगे, क्योंकि पूरा मंथ तो कंप्लीट नहीं करना है, तो 0 ऑड डे आएंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें से हफ्ता देख लो कहाँ कहाँ बन रहा है, उसे कैंसिल कर दो, तो 3 3 6 और 1 यहाँ से कर लिए 7, ठीक उसी तरह 3 3 6 1 ये कैंसिल हो गया, 7 3 2 5 6 1 7 ये पूरा कैंसिल हो गया, अब बचा आपके पास कितना, सिर्फ 2 दिन बचा, ठीक है, तो 2 दिन बचा, 2 ऑड डे बचे आपके, तो 2 ऑड डे क्या करो, फ्राइडे में जोड़ दो, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, डायरेक्ट स्टेप है, आपको कोई बीच में इंक्लूड नहीं करना पड़ा स्टेप, सीधे 1 जनवरी 2010 आपको यहाँ से पता चल गया कि फ्राइडे था और सीधे आपने 21 नवंबर का निकाल लिया ऑड डे निकाल के, देखो ठीक है, संडे ही आपका यहाँ पे आंसर आया था, यहाँ पे संडे ही आंसर आया है, तो मैंने इसमें स्टेप वाइज बता दिया कि पहले आप संडे निकालो, फिर यहाँ फ्राइडे निकाले, उसके बाद से क्या करो, 1 जनवरी से 1 नवंबर के बीच का निकालो, क्योंकि आपको पता है
इसका प्रीवियस वाला किए थे, ठीक। और ये आप डायरेक्ट कर सकते हो सीधे, 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे हो गया तो 21 नवंबर 2010 को क्या होगा, डायरेक्ट इनके बीच का ऑड डे निकाल लो और जोड़ लो उसमें, तो संडे आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संडे। अगला क्वेश्चन है टाइप ए, 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हो, एक तो सिंपल ऑड डे मेथड, विषम दिनों की संख्या है, और एक कोड मेथड से कर सकते हो, मगर मेरे हिसाब से दोनों में टाइम सेम लगेगा, तो कोड याद क्यों करना, आप विषम दिन से ही तो करो, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, सभी क्वेश्चन विषम दिन के कॉन्सेप्ट पे लग जाएंगे और क्लियर कॉन्सेप्ट भी है। अब देखो इसमें कैसे आपको करना है वो देखो, पहला स्टेप ये होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था कि 100 ईयर में कितने विषम दिन आएंगे, तो कितने विषम दिन आएंगे वो कैसे निकालोगे। देखो 100 साल में मैंने आपको बताया था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं, और 76 क्या होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, मतलब नॉर्मल ईयर होता है, और ये 24 क्या होता है आपका लीप ईयर। हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, 2 विषम दिन मिलता है, और नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन मिलता है, तो 24 × 2 कर दोगे तो 24 × 2 = 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 76 × 1 कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा विषम दिनों की संख्या। तो 48 + 76 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 8, 6, 14, 7, 4, 11, 12, 124 विषम दिन होगा, मगर इसे सप्ताह में कन्वर्ट करना है, ये मेन विषम दिन है, 124 दिन आएगा, 124 दिन को 7 से जब डिवाइड करोगे, ये लो 7 से हम डिवाइड कर दें तो 7 × 7, 7 × 5 = 12 हो जाएगा, और 4 यहाँ, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 9 × 5 = 14, 5, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5, तो जो 7 से डिवाइड करने के बाद कितना आया था, 124 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया हमारा भैया, 5 आया, तो यही विषम दिन होगा और कुछ नहीं होगा, यही विषम दिन होगा। तो 100 साल में विषम दिन अगर हम आपसे बोलें कि भाई साहब 100 साल में 100 ईयर में विषम दिन ऑड डे की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, ठीक। अब आगे आ जाओ तो 200 साल में कितनी होगी विषम दिन की संख्या, इसका डबल कर लो 10, मगर अब ये 7 से ज़्यादा हो गया ना, इसका जब हम डबल किए 7 से ज़्यादा हो गया तो फिर से इसको 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो विषम दिन कह सकते हो 3 ऑड डे होंगे, कितने साल में, 200 साल में, तो 300 साल में कितने होंगे, 5 × 10 = 15 होंगे, और 15 को फिर 7 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 7 × 7 = 14, 1 बचा, सिंगल ऑड डे आएगा, 300 साल में 1 ऑड डे, 100 साल में 5, 300 साल में आपका 200 साल में 3, और 300 साल में 1, 400 साल में चले जाए तो 400 साल में क्या होगा, 5 × 10 × 15 = 20 होगा ऑड डे, मतलब प्लस एक और होगा, वो कौन सा, ये जो 400 साल है ये क्या भैया, लीप ईयर है, जब 400 से इसे डिवाइड करोगे, सेंचुरी है आपकी, तो इसको जब 400 से डिवाइड करोगे तो ये लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर होगा तो इसका मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा देगा, ठीक, एक दिन और एक्स्ट्रा देगा, तो इसमें टोटल कितने दिन हो जाएंगे एक्स्ट्रा, 21 दिन हो जाएंगे, तो 21 को जब 7 से डिवाइड कर दोगे तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, तो 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 आएगी, तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि 400 का जितना मल्टीपल होगा उसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगा, 0 होगा, चाहे वो 1600 हो, चाहे आपका 2000 हो, चाहे आपका आगे बढ़ जाए, ठीक है, जितना भी हो, 2400 हो, वो सब 400 के जितने मल्टीपल होंगे आपके क्या होंगे, विषम दिन उसकी 0 आएगा। तो आपसे अब देख लो क्वेश्चन क्या है, 2006 में जाना है, 2006 के बारे में पूछा है, तो 2006 के बारे में पूछा है, 28 मई 2006 के बारे में पूछा है, तो हम पहले 2005 तो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2006 में जाएंगे, ठीक। तो 400 का मल्टीपल 2000 है, ये जो सेंचुरी है वे 400 की मल्टीपल है, देख लो भाई 400 में कितने का, 5 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 2000, तो इसका मतलब 2000 तक विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ये भी 400 का मल्टीपल है। अब हमें एक्स्ट्रा कितना साल जाना है, एक्स्ट्रा कितना साल जाना है आपका, 5 साल कंप्लीट करना है, ऊपर से 6वें साल में जाना है, एंट्री करना है, तो अभी तो हमें जितना कंप्लीट करना है, जितना ईयर कंप्लीट करना है उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो जितना ईयर 2000 में आपका 0 आया, कितना विषम दिनों की संख्या, मगर 5 साल में कितने विषम दिन होंगे,
पाँच साल में कितने विषम दिन होंगे, क्योंकि हमें 2005 कंप्लीट करना है, उसके बाद 2006 में जाना है, तो 5 साल में कितने विषम दिन होंगे भैया? 5 साल में 5 विषम दिन तो होंगे ही, हर साल में 1 विषम दिन तो आता ही आता है। और बीच में एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें लीप ईयर कौन सा आएगा, ठीक है? लीप ईयर क्या कौन सा आएगा 2000 के बाद? देखो 2004 वाला लीप ईयर आएगा, ये लीप ईयर होगा, ठीक। उसके बाद से तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि 6 के बाद आएगा, 4 साल 2008 में आएगा। तो इस लीप ईयर की वजह से, 2004 की वजह से एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वो जोड़ लो, 5 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अभी तक 2000 तक हमें 0 मिला, उसके बाद से जैसे 2001 बढ़े तो एक दिन विषम मिलेगा, तो पूरे 5 तक, 2001 से लेकर 2005 तक 5 विषम दिन मिलेगा, 5 साल होंगे। तो प्लस उसमें ये भी देख लेना कि उसके बीच में 2001 से 2005 तक कौन सा लीप ईयर आया, तो कौन सा लीप ईयर 2004 आया, उसके वजह से एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो टोटल हमारे अभी एक्स्ट्रा जो दिन होंगे, विषम जो दिन होगा, वो 6 हो जाएंगे, ये याद रख लो। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमने 2005 को कंप्लीट कर लिया, अब 2006 में एंट्री मारना है, तो 2006 में एंट्री मारना है तो देखो मई तक जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, यही तो है, जनवरी, फरवरी, मई तक जाना है। देख लो, तो जनवरी में ऑड डे कितने होते हैं? 3 होता है। एक बार देख लो कि ये 2006 दिया है, तो सिंपल सा है कि आपका लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी में ऑड डे 3 होगा, फरवरी में 0 होगा, मार्च में फिर 3 होगा, अप्रैल में आपका 2 होगा, मई में आपका देख लो कहाँ तक गया है, 28 तारीख तक गया है। तो 28 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितने ऑड डे आएंगे? 7 × 4 = 28, पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आपका ऑड डे भी कितना आएगा यहाँ पे? 0 आएगा। बस वही फिर बात क्या करना है आपको, हर डेट तक चले गए हो, 3 + 3 = 6, यहाँ से 1 निकाल लो, 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 दिन यहाँ बचेगा, 1 दिन सिंपल बचेगा। अब 6 दिन यहाँ बचा था आपका 2005 कंप्लीट करने में, विषम दिनों की संख्या, तो 6 + 1 कर दोगे तो फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 हो गया। अब 7 × 7 = 7 करोगे तो रिमाइंडर तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा ना, रिमाइंडर आया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आया और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे बताओगे रिमाइंडर 0 पे कौन सा दिन होगा? तो ये याद रख लो, जो स्टैंडर्ड कैलेंडर है आपका, कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, चाहे आपका विषम दिनों की संख्या एकदम लास्ट में, एक तरह से कह सकते विषम दिनों की संख्या कितनी आई, 0 ही तो आया, पूरा तरह डिवाइड हो गया, विषम दिन, रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो विषम दिनों की संख्या आपकी अगर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो आपका जो दिन होगा वो कौन सा होगा, संडे होगा। अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, इतने ही रिमाइंडर आपके मिलेंगे, 6 से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं मिलेगा। जैसे 7 होगा वो फिर से 0 हो जाएगा, ये आपका मंडे हो जाएगा, ये आपका ट्यूसडे हो जाएगा, ये आपका वेडनेसडे, ये आपका थर्सडे, ये आपका फ्राइडे और ये आपका सैटरडे, ठीक। तो अभी हमारे पास 0 प्राप्त हुआ है, तो 0 प्राप्त हुआ मतलब 0 पे क्या आएगा हमारा, संडे आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका रविवार, ऑप्शन सही होगा डी, सिंपल सा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जहां आपका दिन ना गिवेन हो, यहां सीधे आपका दे दिया एक डेट कि 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो आप जान लो कि 2006 है, तो पहले मैंने आपको बता दिया ये क्लियर करने के लिए, ये हमेशा ऐसे स्टेप नहीं करना होगा। 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 और 300 साल में 1, 400 साल में 0, तो 400 का जितने मल्टीपल होंगे उसमें 0 ऑड डे होगा, तो 2000 जो आपका क्या होगा, 400 का मल्टीपल होगा, तो उसमें 0 ऑड डे होंगे। अब हमें कहाँ तक जाना है, 5 साल कंप्लीट करना है और 6वें साल में जाना है, तो 5 साल में हमारा ऑड डे कितना हो जाएगा, 5 प्लस इसके बीच में कितने लीप ईयर आएगा, एक लीप ईयर आएगा, कौन सा, 2004 वाला, तो उसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो टोटल आपका विषम दिन संख्या हो जाएगा 6, ठीक। उसके बाद से क्या करेंगे, अगला स्टेप कि अब हम 2005 कंप्लीट कर चुके हैं, 2006 में जाएंगे, तो जनवरी से लेके जिस महीने तक पूछा है वहां तक जाएंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक जाएंगे। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या मैंने निकालना बता दिया है, 3 होगा, फेब में 0, मार्च में 3, अप्रैल में आपका 2, मगर मई में पूरा कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ 28 तारीख तक गया है, तो जितनी तारीख तक जाए उसको 7 से डिवाइड कर दो, विषम दिनों की संख्या मिल जाएगी, तो 0 यहाँ मिल जाएगा। यहाँ टोटल मुझे जोड़ने के बाद
क्योंकि 3 3 6 और यहाँ से एक निकालोगे 7, एक हफ्ता खत्म हो जाएगा, एक दिन विषम बचेगा। 6 यहाँ से बता दो, 6 1 7 हमने जोड़ लिया, टोटल विषम दिनों की संख्या 7 हुई, उसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो संडे, 1 आएगा तो मंडे। तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो क्या होगा इसका आंसर, आपका रविवार होगा। ये इस कॉन्सेप्ट से आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप क्या है, उस वाले क्वेश्चन को मैं अगले सेशन में दूसरे टाइप से बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, वो कोड वाला। उसमें आपको कोड रटना पड़ेगा, क्या क्या कोड रटना पड़ेगा, डे का कोड आपका रटना पड़ेगा, सेंचुरी कोड रटना पड़ेगा और मंथ कोड रटना पड़ेगा। मंथ कोड भाई 144 वाला, ठीक। मगर आप उस पर प्रैक्टिस कर ले जाते हो तो आसान है, वो भी करना है, सिंपल सा है। यदि माह का 11वां दिन शनिवार है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा, ये आपको निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि अगर 11वां दिन क्या है आपका, सैटरडे है किसी भी मंथ का, अब वो मंथ दिया नहीं है 31 का है, 28 का है, 29 का है, हम देख लेते हैं। 11 तारीख को सैटरडे है तो 1 तारीख को क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, इनके बीच का डिफरेंस देख लो कितना हुआ, 10, 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। पीछे जाना है ना, क्योंकि 1 तारीख को जाना है तो पीछे जाना है, तो 3 दिन पीछे जाएंगे, सैटरडे होगा, ये फ्राइडे होगा, ये आपका थर्सडे होगा, ये वेडनेसडे होगा, तो 3 दिन पीछे 1 2 3, तो वेडनेसडे आ जाएगा। तो मतलब मंथ की शुरुआत किससे होगी, वेडनेसडे से होगी। अब डिपेंड करता है कि मंथ अगर 30 का होता है, 30 का मंथ है कोई, तो उसमें 1 तारीख अगर आपका किससे शुरू हो रहा है, वेडनेसडे से शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 तारीख 2 तारीख आपके क्या होंगे, ये रिपीट होंगे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। 1 और 2 तारीख आपका रिपीट होगा, 5 बार होगा, मतलब रिपीट इन द सेंस 5 बार आएगा अगर 30 का कोई मंथ है, क्योंकि 1 तारीख वेडनेसडे होगा और 2 तारीख को आपका क्या होगा, थर्सडे होगा, तो ये आपके 5 बार महीने में आएंगे। अगर ये महीना अगर 31 का होता तो एक दिन और बढ़ जाएगा, कौन सा, 3 तारीख को क्या होगा, फ्राइडे होगा ना, तो ये तीनों दिन वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे ये आपके कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे, 5 टाइम्स आएंगे पूरे महीने में, पूरे महीने में 5 टाइम्स आएंगे। जब भी एक, क्योंकि वेडनेसडे आपका अगर 1 तारीख को वेडनेसडे है तो ये भी 5 बार आएगा, 2 तारीख को थर्सडे पड़ेगा ये भी 5 बार आएगा, अगर महीने 30 का होगा। अगर 31 का होगा तो कितनी दिन आएगा, 3 दिन, जो पहले शुरुआत के आपके तीनों दिन होंगे वो 5 बार आएंगे, ठीक, ये याद रखना। अगर महीने किसका है, महीना 28 का है, तब क्या होगा, क्योंकि इसमें भैया एक 7 चौको 28, रिमाइंडर कितना होता है, 0, तो कोई भी दिन रिपीट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी दिन आपका 5 बार नहीं आएगा, 4 ही बार आएगा अगर 28 का महीना। अगर 29 का महीना है तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचता है, 1, तो 1 दिन रिपीट होगा, कौन सा, वेडनेसडे, ठीक है, 5 बार मतलब आएगा। और 30 का है तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसीलिए जो 30 का महीना होगा उसमें आपका जो 2 दिन होगा, शुरुआत के पहला और दूसरा दिन, वो महीने में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। 31 में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, तो उस दिन में शुरुआत के आपके 3 दिन जो होंगे वो आपके महीने में कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ कोई मंथ आपका डिपिक्ट नहीं किया है, तो हम स्टैंडर्ड मंथ ले लेते हैं, 30 और 31 ऑप्शन से करेंगे इसे। तो हम देख लेते हैं, हमारा पहला जो आया बुधवार आया, तो बुधवार तो 5 बार आएगा ही आएगा, क्या ऑप्शन में बुधवार है, नहीं है, तो बुधवार इसका मतलब वो कौन सा महीना नहीं लिया आपका, 29 वाला नहीं लिया, ठीक है, 29 का महीना नहीं होगा वो मंथ। 30 के महीने में चले जाएं तो 30 के महीने में बुधवार और बृहस्पतिवार हमारा क्या होगा, 5 बार आएगा, तो बृहस्पतिवार है क्या इसमें, नहीं है। चलो 31 का महीना मान लें कि वो महीना 31 का हो, तो 31 के महीने में शुरुआत के तीनों दिन, पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख आपको 5 बार मिलेगा, तो तीसरी तारीख को क्या पड़ रहा है, फ्राइडे पड़ रहा है ना, ठीक, तो देख लें क्या शुक्रवार है क्या इस ऑप्शन में, हाँ है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन सेट किया गया वो 31 महीने को मानकर सेट किया गया है, तो शुक्रवार हमारा क्या होगा, महीने में 5 बार आएगा, ठीक है, ये लॉजिक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है,
ये टाइप है आपका। इस टाइप में आपको क्वेश्चन आपका मिलता है एग्जाम में कभी कभी कि जतिन को ठीक याद है कि उसकी माता का जो जन्मदिन है वो 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है, तो डेट लिख लो। उसको 12 मार्च के बाद का डेट याद है, उनके जो मदर हैं उनका जो जन्मदिन है वो 12 मार्च के बाद, मतलब 13 को पढ़ सकता है, 14 को पढ़ सकता है, 15 को पढ़ सकता है, 16 को पढ़ सकता है, मगर 17 से पहले, देखो 17 को नहीं पढ़ सकता, 17 मार्च से पहले है, तो 13, 14, 15, 16 इनको डेट याद है, इनमें से कोई हो सकता है। मगर उसकी बहन को याद है, किसकी, जतिन की बहन को, कि उसकी माता का जो जन्मदिन है वो 10 मार्च के बाद किंतु 14 मार्च से पहले है, ठीक है। तो जो उसकी बहन है, उसकी जो सिस्टर है जतिन की, उसको क्या पता है कि 10 के बाद 11, 12, 13, 14 से पहले, तो ये डेट उसको याद है कि इसके बीच में है। तो जो इनके बीच में कॉमन होगा वही उनके मदर का क्या होगा, डेट ऑफ, बोल सकते हैं उनके जन्मदिन उसी दिन होगा। तो देखो कॉमन क्या है, 11 तो कॉमन है नहीं, 12 कॉमन नहीं है, 13 ही तो कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसी दिन उनके मदर का जो है जन्मदिन होगा। तो 13 कॉमन है इनके बीच में, तो 13 तारीख को क्या होगा, उनके मदर का होगा जो है जन्मदिन होगा। तो आप क्या कर सकते हो इसमें से, आंसर क्या होगा आपका इसका, ओला क्या है कि मार्च में किस तिथि को उनकी माता का जन्मदिन होगा, ठीक है। तो यहाँ 14 से पहले आपसे बोला था ना, तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई सही होगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ 13 ऑप्शन आपका दिया नहीं है। बढ़ जाते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप आपका ये है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या नहीं है या क्या हो सकता है पूछा है। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट डे आपसे पूछ रहा है किसी शताब्दी वर्ष का। तो जो मैं सिंपल से एग्जांपल ले लूँ, 100 साल ये भी एक शताब्दी है, तो इसमें विषम दिन कितना निकाले थे भाई, अभी हम लोग 5 ऑड डे निकाले थे, 5 विषम दिन होता है 100 साल में, और 200 साल में 3 होता है, और 300 साल में आपका कितना विषम दिन होगा, 1 होगा, और 400 साल में आपका 0 विषम दिन होता है, ठीक, यही होता है, और यही बाद में हमेशा रिपीट होता रहता है, 5, 3, 1, 0, क्योंकि 400 का जितना, इसके बाद जैसे बढ़ोगे किसमें, 500 पे, तो 400 में 0, 100 में कितने, 5 फिर आ जाएंगे, तो ये आपका रिपीट होता रहेगा, यही सर्किल आपकी रिपीट होती रहेगी। तो हम इसी पे निकाल तो क्यों ना लें, 5 मतलब मैंने आपको बताया था कि 0 पे आपका संडे आता है, 1 पे आपका मंडे आता है, 2 पे आपका क्या आता है, ट्यूजडे, विषम दिनों पे, ठीक, तो वहाँ 5 विषम दिन लिखा ना, 3, 4 और 5, और ये 6 कर लो, 6 तो विषम दिन आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें है ही नहीं। 3 को क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। तो देख लो 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, तो 5 को क्या आ रहा है, 5 विषम दिन में क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, तो फ्राइडे आपका क्या होगा, आपका सेंचुरी का लास्ट डे होगा, क्योंकि आपका हम ये 100वीं सेंचुरी आपका पता कर रहे हैं, 100वीं सेंचुरी कब खत्म होगी, तो किस दिन खत्म होगी, फ्राइडे को खत्म होगी। तो किसी भी साल में जो आपका पहला दिन होगा, जो पहला दिन होगा वही आपका सेम क्या होता है, लास्ट डे होता है, जो पहला दिन होता है वही आपका लास्ट डे होता है। तो अगर लास्ट डे फ्राइडे है तो पहला दिन भी क्या होगा, फ्राइडे होगा, बजाय कि आप वो जो सेंचुरी है वो लीप ईयर ना हो, जैसे 400 साल वाला होगा, इसमें इसका जो लास्ट डे आएगा वो क्या होगा, संडे होगा, मगर इसका जो फर्स्ट डे होगा वो क्या होगा, सैटरडे होगा, क्योंकि उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है, लीप ईयर वाले में। लीप ईयर में जो आपका शुरुआती दिन होगा वो 31 दिसंबर नहीं होगा, अगर 1 जनवरी को क्या होगा, सैटरडे होगा, तो 31 दिसंबर को संडे होगा, ठीक, ऐसे होता है, एक दिन बढ़ जाता है, मगर जो आपके ऑर्डिनरी ईयर होते हैं उनमें जो अगर 1 जनवरी को जो दिन होगा वही आपका 31 दिसंबर को होगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि आपका क्या पूछा, कौन सा नहीं होगा, तो देख लो हमारा कौन कौन सा हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो आपका क्या होगा, होगा नहीं, क्योंकि ये दिन होता है, शताब्दी का प्रथम दिन होता है। बुधवार, बुधवार आपका 3 रिमाइंडर पे मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी शताब्दी का लास्ट दिन होता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। सोमवार, ये भी एक जब विषम दिन आएगा, मतलब 300 300 में
वन आ रहा है ना विषम दिन, इसका मतलब लास्ट डे आपका क्या होगा, इसका शताब्दी का सोमवार होगा, तो फर्स्ट डे भी सोमवार होगा, क्योंकि ये जो 300 शताब्दी है वो लीप ईयर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फर्स्ट डे होगा, ठीक है, किसी भी शताब्दी का। बचा क्या, गुरुवार, क्योंकि गुरुवार का कोड क्या है आपका, फोर है, थर्सडे है, ठीक है, और फोर कहीं यहाँ आ नहीं रहा है विषम दिनों में, तो फोर आपका आ नहीं रहा है, इसीलिए डी क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन गुरुवार नहीं हो सकता, ठीक है। क्या क्या हो सकता है वो देख लो, क्या क्या हो सकता है, किसी भी शताब्दी का फ्राइडे हो सकता है, ठीक है, प्रथम दिन मैं बता रहा हूँ, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, और जीरो पे क्या आता है, संडे हो सकता है। ये आपका किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखना, ये दिन आपके फर्स्ट डे हो सकते हैं किसी भी शताब्दी का, और किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कह सकते हो, लास्ट डे क्या क्या हो सकता है, ये सेम होगा, फ्राइडे, ठीक है, वेडनेसडे, मंडे, ठीक है, मगर जो ये संडे पड़ता है ना, संडे कहाँ पड़ता है आपका, जो ये 400 साल में जीरो आता है, संडे पड़ता है, मगर उसका पहला दिन क्रम बदल जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर होता है, इसीलिए संडे पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, इसमें संडे नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे आपका फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे या सैटरडे हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा नहीं होगा। ये आपका लास्ट डे है और ये आपका फर्स्ट डे है, ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, ठीक, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन चाहे पहला दिन कौन सा नहीं होगा। तो बस ये अगर आपको याद है कि 100 साल में 5 ऑड डे होता है और 5 पे क्या होता है, फ्राइडे होता है, तो आप इसे आसानी से कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपसे अंतिम दिन पूछ रहा है कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो देखो मैंने यहां बताया, सॉरी सॉरी, इसमें जो गड़बड़ हो गया है आपका, ये पूछा सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं, ये सेंचुरी का लास्ट डे कर लो, यहाँ पे किसी भी शताब्दी का लास्ट डे क्या होगा, तो वो फ्राइडे होगा, वेडनेसडे होगा, मंडे होगा या संडे होगा, और यहाँ पे जो लास्ट है इसको क्या कर लो, इसको कर लो आप फर्स्ट डे, मतलब पहला दिन किसी भी शताब्दी का क्या हो सकता है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, मगर ये संडे की जगह क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, किसी भी शताब्दी का आपका पहला दिन क्या होगा, सैटरडे होगा, तो यहाँ सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार नहीं हो सकता है, अंतिम दिन पूछा है ना कौन सा नहीं हो सकता, देख लो अंतिम दिन में आपका क्या है, लास्ट डे है ये, तो आपका शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और संडे है, और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ संडे नहीं दिया है, आपसे शनिवार ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब ये आपका दिन क्या होगा, लास्ट नहीं होगा, ठीक, संडे होता तो वो होता, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, तो उसे करेक्ट कर लेना, जो ये पहले मैंने फर्स्ट लिखा था उसे लास्ट कर लेना, और यहाँ पे लास्ट वाले को फर्स्ट कर लेना, ठीक, कि ये आपका किसी भी सेंचुरी का फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे क्या होगा, दिन होगा, और लास्ट डे आपका क्या होगा, आपका सिर्फ सैटरडे एक आपका बन जाएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपका जैकपॉट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, सभी को इसको कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ इन जितना भी टाइप आपको पढ़ा दिया है, एक सेशन और ले लूंगा मैं आपको, जितना भी टाइप पढ़ा दिया हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, प्लस इस टाइप के क्वेश्चन को एक मेथड से और लगाया जाता है, वो मैं आपको कोड मेथड भी बता दूंगा अगले सेशन में, ठीक, तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो।